आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का 9 लेशन तक हो गया था, तो आज हम 10 पढ़ेंगे, जिसमें है आपको पढ़ना डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहेंगे। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज एन एडजेक्टिव और ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज एन एडजेक्टिव और ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव का मतलब आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है कोई किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी किसी व्यक्ति को, किसी जानवर और किसी किसी चीज़ के नाम को डिस्क्राइब करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राज इज ए क्यूट वर्ड, तो क्यूट इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये क्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। प्रीति जो है, नीमा इज ए प्रीति गर्ल, ये प्रीति जो है वो नीमा को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये प्रीति डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें ब्यूटीफुल हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाइस कैप, दिस इज ए नाइस कैप, नाइस हो गया यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस इज ए हॉट कॉफी, हॉट हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए क्लेवर फॉक्स, तो क्लेवर हो गया इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर नीचे दिया हुआ है, इन द गिवन सेंटेंस एबोव द वर्ड्स क्यूट, प्रिटी, ब्यूटिफुल, नाइस, हॉट एंड क्लेवर डिस्क्राइब द नाउन राज, नीमा, फ्लावर, कैप, कॉफी एंड फॉक्स। इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है ऊपर एबोव द वर्ड्स, उसमें जो वर्ड दिया हुआ है क्यूट, प्रिटी, ब्यूटिफुल, नाइस, हॉट एंड क्लेवर, ये सब डिस्क्राइब द नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउन कौन कौन है, राज, नीमा, फ्लावर, कैप, कॉफी एंड फॉक्स। तो इन सबको, ये जो ब्लू ब्लू लिखा हुआ है वो सब उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम आगे एक्सरसाइज में आते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर दिस टेक हेल्प फॉर द पिक्चर्स, इसके पिक्चर के हेल्प से, पिक्चर और ऊपर में कुछ दिया हुआ है उसके हेल्प से पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। ये क्या है, कॉफी हो जाए, हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसमें हॉट कॉफी, तो यहाँ लिखेंगे इसका हॉट होगा। फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, तो कोल्ड। ये कैसा आदमी है, फैट, मोटा है, तो फैट लिख देंगे, और ये पतला है तो यहाँ थिन लिख देंगे। तो यहाँ ये जो डैश डैश दिया है उसमें आपको उभरना है। फिर टू नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इधर कुछ वर्ड दिए गए हैं उन्हीं के हेल्प से इस वर्ड को डिस्क्राइब करना है। मिस्टर रबी इज टॉल, स्काई इज ब्लू, ग्रैप्स आर सॉर, द रेड रिबन इज नॉट लॉन्ग, इट इज शॉर्ट, these shoes are not old, they are new, this girl is not sad, she is happy, the coffee is not hot, it is cold, this man is not weak, he is strong। तो ये सब डिस्क्राइब कर रहा है इसको मिस्टर रवि स्टॉल की। मिस्टर रवि क्या है, टॉल है, लंबे है, the sky is blue, आकाश नीला है, grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं, the red ribbons is not long, red ribbon जो है वो लंबा नहीं है, it is short, वो छोटा है, these shoes are not old, ये जूते not old, पुराने नहीं है, they are new, ये new है, नए है, this girl is not sad, यह लड़की उदास नहीं है, she is happy, यह खुश है, the coffee is not hot, coffee है, coffee गर्म नहीं है, it is cold, यह ठंडी है, this man is not weak, यह आदमी कमजोर नहीं है, he is strong, यह मजबूत है। फिर नेक्स्ट है थ्री नंबर में सर्कल द एडजेक्टिव, इसमें जो दिया हुआ है उसमें आपको एडजेक्टिव को सर्कल करना है, तो मैंने यहाँ एडजेक्टिव से लिख दिया, इसमें बिग होगा, बिग को आप लोग सर्कल कर लीजिएगा, बिग, सॉफ्ट, लाइट, पुअर, स्लो, सैड, बैड, फाइन, तो ये सब एडजेक्टिव मैंने यहाँ लिखा है, जिसको आपको इस कॉलम में लिख कर देख करके सर्कल कर लेना है। फिर नेक्स्ट है फोर नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें ब्लैंक्स को फिल करना है एडजेक्टिव से। द पैरोट इज ग्रीन, और बगल में दिया भी हुआ है, द पैरोट इज ग्रीन, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, रोज इज ए प्रिटी फ्लावर, मिस्टर राज इज एन ओल्ड मैन। तो इस तरह आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, कर लेना है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव किसे कहते हैं इसका परिभाषा याद करके इसको समझ लेना है, और इसको कॉपी में भी कर लेना है और बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।